जान सकती लोग क्यों पैदा हुए हैं। मैं हमेशा दाई से दीदी तो ये किसने बताया कि ये लोग क्यों पैदा हुए हैं, कहाँ से पैदा हुए हैं? भाई ये हमारे दुनिया में तो ऐसा सोच नहीं होता यार। जानना चाहती थी कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं, इसलिए मैं ये चूज करूंगी। तुम्हें पता है मैं अभी अभी दुबई से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके आ रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत रिच हैं। सच में तुम इतनी अमीर हो? हाँ मैं बहुत। अबे यार दाई जी ने पता चल जाएगा कि फॉर्म तो नहीं आई, मतलब लिटरली में भाई हमें ऐसा पता ही नहीं चल सकता। अमीर और पूरे स्कूल को ये बात पता है, इतने पैसे होने के बाद भी तुम खेत में पैदा हुई थी? क्यों क्या बात कर रही है, खेत में पैदा हुई थी मुझे? तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मैं नहीं बताने वाली। रिंकी क्या लोग पार्क में भी पैदा हुए हैं? ऐसा इसे कैसे पता भाई, पार्क में तो ही नहीं पैदा हो सकता है। पार्ट में तो पैदा ही नहीं हो सकता, मतलब पैदा हो तो भाई उसे कुत्ते खा जाएंगे। हाँ। और ब्रिज के नीचे भी? ब्रिज के नीचे तो भाई उसे डॉल्फिन ही खा जाएंगे। दीदी तुम्हारी अतल था यार। हाँ। लगता है मैं सच में देख सकती हूँ लोग कहाँ पैदा हुए हैं। ही क्या तुम सच में देख सकती हो लोग कहाँ पैदा हुए हैं? क्या तुम पैलेस में पैदा हुई हो? भाई सर ये पैलेस में पैदा कैसे हो सकती है भाई, बताओ। हाँ और मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? मेरा छोटा भाई पैदा होते ही गायब हो गया, मैं चाहती तुम उसे ढूंढो। तुम्हें उन लोगों को ढूंढना होगा जो कि मेरी तरह ही पैलेस में पैदा हुए हैं। ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैंने पूरे स्कूल में देख लिया लेकिन मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखा जो पैलेस। बस और हॉस्टल में कौन पैदा होता है? हॉस्टल में तो सब पैदा होते भाई, बस में कौन पैदा होता है? लिटरली मैं बस में पैदा हुआ हूँ। क्या तुम किसी को ढूंढ नहीं पा रही? ये रोड पे पैदा हुआ, लिटरल में रोड पे पैदा हुआ भैया। दीदी सॉरी लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लेकिन मैंने कब मदद मांगी? मैं सोच रही कि मैं कहाँ पे पैदा हुई होंगी। ऐसा अपने बता रही मैंने तो।